अब खबरें विस्तार से। कोरपना तहसील के नारंडा के दालमिया सीमेंट कंपनी में ठेका कामगार साथी दत्तक गांव के सुशिक्षित बेरोजगार युवकों को दालमिया कंपनी में नौकरी पर संभाले, इस मांग के लिए मनसे नगर सेवक सचिन भोयर ने दालमिया सीमेंट कंपनी के सामने महाधरने आंदोलन शुरू किया था। आखिरकार मनसे प्रणित मराठी कामगार सेना के महाधरने आंदोलन को सफलता मिली, कामगारों की मांगे पूर्ण हुई। कोरपना तहसील के नारंडा यहां के दालमिया सीमेंट कंपनी में पूर्व श्रमिक के मुरली सीमेंट कर्मचारी पूर्व श्रमिक के ठेका कामगार साधी दत्तक गांव के सुशिक्षित बेरोजगार युवकों को दालमिया सीमेंट कंपनी में नौकरी पर संभाले, इस मांग के लिए मनसे नगर सेवक सचिन भोयर ने दालमिया सीमेंट कंपनी के सामने महाधरना आंदोलन शुरू किया था। आखिरकार एक महीना चार दिन के बाद मनसे प्रणित मराठी कामगार सेना के इस धरने आंदोलन को सफलता मिली। आंदोलकों की मांगे कंपनी प्रशासन ने मान्य की, कामगारों को काम पर समाविष्ट करने कंपनी प्रशासन ने मान्य किया। इसके साथ स्थानिक गांव के युवकों को प्राधान्य दिया जाएगा, ऐसा कंपनी प्रशासन ने बताया। बैठक का सुधारित इतिवृत्त 14 दिसंबर को नायब तहसीलदार प्रवीण चिड़े ने आंदोलन स्थल आंदोलकों को लाकर देने के बाद और पढ़कर दिखाने के बाद आंदोलन पीछे लिया गया। आंदोलन की सफलता के लिए महाराष्ट्र सैनिकों ने, कामगारों ने, ग्रामस्थों ने और महिला वर्ग ने परिश्रम लिया। नगर सेवक सचिन भोयर ने उनका आभार माना। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मराठी कामगार सेनेच्या माध्यमातून पूर्व मुरली कामगार त्याचबरोबर पूर्व कंत्राटी कामगार यांच्या त्यांची हक्काची नोकरी मिळावी याकरिता जे महाधरणे आंदोलन मागील एक महिना चार दिवसापासून सुरू होतं, कुठं ना कुठं त्या आज त्या आंदोलनाला यश आलं आणि प्रशासनाच्या मध्यस्थीनंतर त्या आंदोलनातल्या सगळ्या मागण्या या मान्य झालेल्या आहे आणि त्याबाबतचा प्रोसिडिंग कॉपी आज तहसीलदारांनी या ठिकाणी आम्हाला दिलेली आहे। जे कुठले कामगार होते, पूर्व मुरली कामगार, पूर्व कंत्राटी कामगार, त्यांना कामात सामावून घेण्याबाबतचं कंपनी व्यवस्थापनाने मान्य केलेलं आहे। त्याचबरोबर या भागातील काही स्थानिक ज्यांना नोकरीमध्ये सामावून घेण्याबाबतही कंपनी प्रशासन सकारात्मक आहे। आज आंदोलनाचा एक महिना चौथ्या दिवशी यशस्वी लढा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तसेच या उपस्थित ग्रामस्थ कामगारांनी दिला आहे आणि त्या आंदोलनाच्या माध्यमातून आपण विजयी झालो आणि समोरच्या कारवाईसाठी परत आम्ही समोर कामगारांच्या याद्या आणि जे महिला कामगार त्याचबरोबर या स्थानिक युवक यांच्या सगळ्यांच्या याद्या आम्ही कंपनी प्रशासनाला जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत देणार आहोत आणि हे सगळं या ठिकाणी कामगारांच्या एकीमुळे साध्य झालं एवढंच सांगतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।